नमस्कार दोस्तों, आज मैं पढ़ने वाला हूँ नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू रेज योर ओन सैलरी। इस पुस्तक में नेपोलियन हिल ने उन सभी 17 सिद्धांतों को एक ही पुस्तक में उसी प्रकार बताया है जिस प्रकार एंड्रयू कार्नेगी और अन्य सभी सफल व्यक्तियों ने उन्मुक्त रूप से अपना बहुमूल्य समय और अपने अनुभवों को व्यक्तिगत रूप से साझा करते हुए उन्हें सिखाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा, यह पुस्तक एक तरह से कन्वर्सेशन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय एक, प्रयोजन की निश्चितता बनाना। हिल, श्रीमान कार्नेगी, मैं चाहता हूं कि आप अपने कैरियर के शुरुआती दौर में जाएं और उन उपलब्धियों के सिद्धांतों के बारे में कदम दर कदम बताएं जिनके द्वारा आपने इसे शुरू किया था। बिना धन के, बिना किसी विशेष प्रभुत्व के और साधारण शिक्षा के साथ ही आप स्वयं को एक शानदार, समृद्ध और धनादेय वाली श्रेणी में ले आए हैं। मैं उन लोगों की तरफ से भी इस जानकारी का अनुरोध कर रहा हूं जिनके पास तो न तो समय है और न ही अवसर जिनसे वे कामयाब लोगों की सफलता के नियमों के बारे में जान पाए। आप औपचारिकता छोड़कर सरल व स्पष्ट रूप में बताएं जिसे आम साधारण बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति भी समझ सके। कार्नेगी, ठीक है, मैं व्यक्तिगत सफलता के नियमों का विवरण देता हूं जो मेरी उपलब्धियों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैं यह एक शर्त पर करूंगा कि आप मानव संबंधों के इन नियमों के सिद्धांत के रूप में विकसित करें जो उन लोगों को उपलब्ध हो जो इस पर दक्षता हासिल कर उसका प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेरी समृद्धि के विवरण का आप एक रचनात्मक माध्यम बने। समय आने पर मैं अपना उचित धन ऐसे स्रोतों के द्वारा दूंगा जिनसे कम से कम हानि पहुंचे और अधिकाधिक भला हो सके, परंतु मेरी वास्तविक धन दौलत जिसका वह हिस्सा मैं मानवता के कल्याण के लिए दान करना चाहता हूं, उनमें मेरा व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए वह नियम शामिल है जिन्हें मैं आपको सौंप रहा हूं। व्यक्तिगत उपलब्धियों के नियमों के संगठन हेतु मेरी सफलता इस उद्देश्य से है कि आप अनवरत शोध करते रहेंगे जब तक कि आप मेरे अनुभवों की किसी अन्य व्यक्ति के अनुभवों से तुलना न कर ले जिसने कई अन्य क्षेत्रों में अपने प्रयासों से पहचान बना ली है, जिससे आप संसार को सफलता का ऐसा सिद्धांत दे सके जो अपने पर्याप्त लचीलेपन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सके, चाहे उनका कार्य क्षेत्र या प्रयोजन कुछ भी हो। व्यक्तिगत उपलब्धियों का ठोस सिद्धांत होना चाहिए जो सफलता के नियमों की स्पष्ट समझ दे और उन सिद्धांतों से भी अवगत कराएं जो असफलता की ओर ले जाते हैं। हिल, आपकी शर्तें मंजूर है श्रीमान कार्नेगी, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिना समयबद्ध हुए मैं कार्य पूर्ति तक नहीं डूबूंगा। कार्य पूर्ण करने की मेरी योग्यता पर आपका विश्वास ही मेरी प्रेरणा है। मैं यह निश्चित करता हूं कि मैं परिणाम आने तक कार्यरत रहूं। क्या आप शुरू करेंगे और मुझे सरल अर्थों में अपनी सफलता के सिद्धांतों का विश्लेषण करके बताएंगे जिसका आपने अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों में उपयोग किया है? कार्नेगी, शुरुआत में मुझे कहना है कि सफलता की मुख्य 17 सिद्धांत है और हर एक व्यक्ति जिसने किसी भी उपक्रम में अपने मुख्य लक्ष्य के कुछ ध्येय प्राप्त कर लिए हैं तब उसे इनमें से कुछ सिद्धांतों का सम्मिश्रण करके उनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। मैं आपको पहला और सबसे प्रमुख नियम बताता हूँ, वह 17 सिद्धांत के शीर्ष पर है, क्योंकि कोई भी इसे काम पर लाए बिना सफल नहीं हो सकता है। उसे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत कह सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखें जो अस्थायी रूप से सफल है, आप पाएंगे कि उसके पास एक महत्वपूर्ण और निश्चित लक्ष्य है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके पास एक योजना है, यानी अपनी सोच और प्रयास का बड़ा भाग वह उसे प्राप्त करने में लगाता है। खुद मेरा मुख्य प्रयोजन स्टील का निर्माण व विपणन है। एक श्रमिक की तरह काम करते हुए मैंने एक प्रयोजन विकसित किया है, यह मेरा जुनून बन गया था। रात में सोते समय मैं इसे लेकर सोता और प्रातः काम पर जाते वक्त मैं इसे साथ ले जाता। मेरा निश्चित उद्देश्य एक साधारण इच्छा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था, वह मेरी प्रबल आकांक्षा बन गई थी। सिर्फ ऐसा ही निश्चित उद्देश्य अपेक्षित परिणाम ला सकता है। अपने हर माध्यम द्वारा मात्र इच्छा व प्रबल आकांक्षा के बीच के अंतर को प्रमुखता देना जरूरी है, जो एक जुनून बन जाता है। हर एक को जिंदगी में अच्छी चीजें चाहिए, जैसे धन, अच्छा पद, प्रतिष्ठा और पहचान, परंतु अधिकतर लोग इच्छा से आगे नहीं जा पाते। जो लोग यह जानते हैं कि वे जिंदगी से क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की ठान लेते हैं, वे इच्छा करने तक ही सीमित नहीं रहते। वे अपनी इच्छाओं को प्रबल मनसा में बदलते हैं और सुनियोजित योजना के अंतर्गत अपनी इच्छाओं पर निरंतर प्रयासरत रहते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपनी योजना को पूरा करने हेतु वे अन्य लोगों को सहायता के लिए प्रेरित करते रहे। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं है। बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे सफल व्यक्ति दूसरों को सहयोग देने के लिए प्रेरित करते हैं। हिल, निश्चित मुख्य उद्देश्य को पाने से पहले आपको धन चाहिए था, यानी कि एक बड़ी राशि संचालन पूंजी की तरफ। आपने इतनी बड़ी राशि कैसे जुटाई जबकि शुरू करते वक्त आपके पास कुछ धन भी नहीं था? मैं चाहता हूँ श्रीमान कार्नेगी कि आप इसका उत्तर विस्तार से दें, क्योंकि अधिकतर लोग कभी न कभी एक ऐसी स्थिति पर आते हैं जहां वे महान उपलब्धियों तक पहुंच सकते थे अगर उसके पास सही शुरुआत करने के लिए निवेश करने लायक पूंजी होती। कार्नेगी, निर्धनता से धनवान बनने का पहला
आचरण ही सबसे मुश्किल होता है। यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ तो सब धन दौलत और भौतिक सुख सुविधाएं जो एक व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है, उसकी शुरुआत उस चीजों की अस्पष्ट एवं संक्षिप्त बौद्धिक परिकल्पना से होती है जो वह चाहता है। जब ये छवि बढ़ती है या जुनून तक अग्रसर होती है, तब किसी अज्ञात प्राकृतिक नियमानुसार अवचेतन मन इसे ग्रहण कर लेता है, जिसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाता। उस क्षण के उपरांत से वह उसके भौतिक स्वरूप की तरह आकर्षित होता है या उसकी तरह खींचा चला जाता है। समाप्ति से पूर्व मैं अवचेतन मन के विषय पर कई बार बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्रत्येक उल्लेखनीय उपलब्धियों का यह एक महत्वपूर्ण कारक है। मैं जिंदगी के पहले मुख्य प्रयोजन की उपलब्धियों के लिए पहले कदम के अपने अनुभवों का कुछ शब्दों में स्पष्ट वर्णन कर सकता हूँ। पहला यह है कि मैं जानता था कि मैं स्टील का निर्माण या उत्पादन करना चाहता हूँ। मैंने अपनी इस इच्छा को इतनी आग दी जब तक यह मेरा जुनून नहीं बन गया। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि वह इच्छा दिन रात मेरे ऊपर हावी होती रही। फिर मुख्य प्रयोजन के लिए अपना कदम बढ़ाते हुए मैंने अपने विचार पर दूसरे श्रमिक को राजी किया। वह मेरा मित्र था जिसके पास धन नहीं था, परंतु उसके पास मेरे विचारों को मूल्यांकन की क्षमता थी और उसकी पूर्ति के लिए मेरे साथ शामिल होने का साहस था। हम दोनों ने अन्य दो को प्रभावित किया। लोग जिसके पास दूरदृष्टि, साहस और नेतृत्व था, उन्होंने स्टील के निर्माण व विपणन की हमारी योजना पर भाग लेने में रुचि दिखाई। हम चारों ने मिलकर मास्टरमाइंड समूह का केंद्र बनाया, जो बाद में बढ़कर 20 व्यक्तियों से ज्यादा हो गया। वे लोग जिन्होंने मुझे धन दौलत बनाने में सहायता की, उन सभी ने सामूहिक प्रयास से अपने लिए विपुल संपत्ति बनाई। मास्टरमाइंड समूह ने संयुक्त उत्साह द्वारा दूसरे लोगों को अपने प्रयोजन के लिए धन देने के लिए प्रेरित किया। बाद में मास्टरमाइंड समूह के सिद्धांत को मैं विस्तार से समझाऊंगा। अभी हमें उस शुरुआती बिंदु के बारे में सोचना है जहां से मैं अपने मुख्य प्रयोजन के लिए आगे बढ़ा था। हिल, श्रीमान कार्नेगी, क्या मैं ये समझ सकूं कि प्रयोजन की निश्चितता अपने उद्देश्य प्राप्ति के सहायतार्थ तक प्राकृतिक नियम है? कार्नेगी, मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे आप उपलब्धि के दर्शन या सिद्धांतों को सुनियोजित कर रहे हो, आप सफल व्यक्ति को ध्यान से देखें, क्योंकि तब आप जानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने मेरे जैसे ही निश्चित प्रयोजन या उद्देश्य और निश्चित योजना बनाकर ही आरंभ किया था। दूसरी बात यह है कि जब इन सफल लोगों के संदर्भ में आप देखेंगे, गौर से निरीक्षण करेंगे, तब आप यह तथ्य पाएंगे कि वे अपनी सफलता पर उतना ही प्रयास करते हैं जितना कि वे लोग जो सफल नहीं होते हैं। यह कुछ लोगों के लिए अभी भी रहस्य की बात है कि क्यों कम शिक्षित या शिक्षा रहित लोग जहां अक्सर सफल होते हैं, वहीं चारों तरफ असफल उच्च शिक्षित लोग भी दिखाई देते हैं। ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि महान सफलता के पीछे सकारात्मक मानसिक रुझान का योगदान है, जो लोगों के उद्देश्य व प्रयोजन को भौतिक और आर्थिक रूप से साकार करता है। मानसिक प्रवृत्ति दिमाग का वह गुण है जो व्यक्ति के विचारों व योजनाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। इस तथ्य को याद रखें और व्यक्तिगत उपलब्धि के सिद्धांत में इसे महत्व दें। हिल, श्रीमान कार्नेगी, कितना समय लगता है जब किसी के मुख्य उद्देश्य के लिए मानसिक प्रवृत्ति भौतिक व आर्थिक आवश्यकताओं को आकर्षित करने लगती है? कार्नेगी, यह पूर्णतः व्यक्ति की इच्छाओं की प्रकृति और वह किस हद तक जा सकता है इस बात पर निर्भर करता है और कितना निरंतर अपने मन पर रखता है, जिससे वह अपने डर, शंकाओं और स्वनिर्मित सीमाओं से ऊपर उठ सके। निरंतर सतर्क रहने से इस तरह का नियंत्रण आता है जहां व्यक्ति मन में सकारात्मक विचार नहीं आने देता और अनंत ज्ञान के ग्रहण और मार्गदर्शन के लिए उसे खुला रखता है। उदाहरण के लिए, एक निश्चित प्रयोजन जिसमें $100 का प्रावधान रखा गया है, आर्थिक रूप से उतना मूल्य अर्जित करने में कुछ दिन या कुछ घंटे या कुछ मिनट लग सकते हैं। दूसरी तरफ $10,00,000 की इच्छा कुछ ज्यादा समय ले सकती है और $10,00,000 के बदले में वह क्या कुछ दे सकता है, यह उस पर निर्भर करता है। सबसे अच्छा ढंग जो मैं सोच सकता हूँ उस आवश्यक समय को बताने का, जब निश्चित ध्येय के भौतिक या आर्थिक रूप दिया जा सके, या इसे एकदम सही तरीके से इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यदि वह सेवा को प्रदान करने के लिए आवश्यक निश्चित समय निर्धारण किया जाए या बदले में वस्तु के समतुल मूल्य के बराबर की सेवा दी जाए। उपलब्धि के 17 सिद्धांत बताने से पूर्व मैं यह सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि प्रदान करने और प्राप्त करने के बीच एक निश्चित संबंध है। इस सत्य की समझ के अभाव में कई व्यक्ति को पीड़ा व सफलता दी है। हिल, क्या मैं आपके कथन से यह समझ लूं कि बिना कुछ किए कुछ पाने का प्रयास या समर्थन प्राकृतिक नियम नहीं करता है? कार्नेगी, प्रकृति और प्राकृतिक नियमों से जुड़ी प्रत्येक वस्तु कारण व परिणाम पर आधारित है। आमतौर पर लोगों की धन दौलत का कारण वह लाभदायक सेवा है जो उन्होंने इसके बदले दी है। मेरी दौलत तब तक मेरे पास नहीं आई जब तक कि मैंने लोगों को उस निश्चित मूल्य के रूप में बड़ी मात्रा में उत्तम स्टील नहीं दिया था। मेरी इच्छा यह है कि आप उस महान सत्य पर जोर देंगे जब आप दुनिया को सफलता के नियम से परिचित कराएंगे। सिर्फ यह न कहें कि सारी सफलता का आरंभ एक निश्चित मुख्य प्रयोजन से होता है, बल्कि इस तथ्य पर जोर देंगे कि निश्चित उद्देश्य को तय परिणाम तक
पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि लोगों की मानसिक प्रवृत्ति के द्वारा प्राकृतिक नियम की शक्ति काम करे। इसके लिए सबसे पहले लाभदायक सेवा को कारण की बुनियाद बनाएं और तालमेल की भावना से सेवा प्रदान करें। हिल, किसी के निश्चित मुख्य प्रयोजन की प्रकृति को कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है? क्या केवल प्रयोजन को चुनना और उसे अपने दिमाग में रखना पर्याप्त है या कोई और बेहतर तरीका है? प्रबल प्रयोजन को समतुल्य भौतिक प्रारूप देने का कारण की यह पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का दिमाग किस तरह का है। एक अनुशासित दिमाग बिना बाहरी सहायता या कृत्रिम साधनों के निश्चित ध्येय पर पकड़ रख सकता है और उसके लिए कार्यरत रहता है। अनुशासनहीन दिमाग को निश्चित मुख्य प्रयोजन के लिए बैसाखी के सहारे की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीन दिमाग के लिए उत्कृष्ट तरीका यह होगा कि वो अपने मुख्य प्रयोजन को विस्तार से लिखे, फिर दिन में कम से कम एक बार उसे ऊंचे स्वर में पढ़ने की आदत डाल ले। अपने मुख्य प्रयोजन के लिखने से वह प्रयोजन के विशिष्ट गुणों और प्रकृति को जानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पढ़ने की आदत प्रयोजन की प्रकृति को दिमाग में स्थापित कर देता है, जहाँ से उसका अवचेतन मन उसे उठाकर उस पर काम कर सकता है। हिल, श्रीमान कार्नेगी, क्या आपने अपने मुख्य प्रयोजन को लिखने की आदत डाल ली है? कार्नेगी, कई वर्षों से मैं इस आदत का अनुसरण कर रहा हूँ, बल्कि उस समय से जब मैं दैनिक श्रमिक से औद्योगिक प्रबंधन की तरफ जाने के लिए संघर्षरत था। यही नहीं, मैं अपने लिखित मुख्य उद्देश्य को सिर्फ पढ़ने तक से बहुत आगे तक ले गया। मैं अपने मास्टरमाइंड समूह से हर रात मिलता और हम सब गोलमेज पर बैठकर प्रयोजन पर चर्चा करते और मुख्य लक्ष्य के लिए योजनाएं बनाते। मैं गोलमेज पर बैठने की आदत बनाने की सलाह दूंगा। इस आदत का मैं अभी भी अनुसरण करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपको पता लगेगा कि हर उल्लेखनीय उपलब्धि वाला व्यक्ति अपनी योजनाओं पर अपने सलाहकार और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ अंतर्गत चर्चा करने की आदत पर निर्भर रहते हैं। वर्षों पहले मैंने सीखा था कि कोई भी एकल व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है। जब हम मास्टरमाइंड सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों दो या अधिक व्यक्ति किसी निश्चित ध्येय के लिए समय व्यय के साथ काम करते हैं, क्योंकि तब उसके पास एकल व्यक्ति से ज्यादा शक्ति होती है। आपको इस महान सत्य की पुष्टि करने वाले साक्ष्य समूची बाइबल में मिलते हैं, अगर उन्हें ध्यान पूर्वक ढूंढेंगे जो पढ़ रहे हैं उसे समझ पाते हैं। हिल, श्रीमान, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसका उल्लेख करने पर क्षमा करेंगे, परंतु मैंने सुना है कि आपकी कठोर आलोचना हुई थी, क्योंकि आपने तो अथाह संपत्ति बना ली है, जबकि आपके लिए काम करने वाले हजारों लोग अपेक्षाकृत निर्धन ही बने हुए। कुछ लोग सोचते हैं कि आपने अपने काम करने वालों की कीमत पर अपनी धन दौलत अर्जित की है। क्या आप इस कारण की धारणा को स्पष्ट करेंगे कि आपकी आर्थिक उपलब्धियों और आपके लिए काम करने वालों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? कार्नेगी, मुझे अति प्रसन्नता है कि आपने यह प्रश्न पूछा। अन्य कई लोग ने भी यह पूछा। मैं वही उत्तर दूंगा जो मैंने उन्हें दिया था। पहले मुझे स्पष्ट करने दे कि मैं अपेक्षा रखता हूँ कि मृत्यु से पूर्व मैं लगभग अपनी पूरी धन दौलत बांट दूंगा, लेकिन मुझे यह भी कहने दे कि वहाँ धन देने में बहुत मुश्किल हो रही है। जहाँ वह हानि कम वो भलाई ज्यादा कर सके। यह अजीब लगता है, लेकिन सच है कि लोग शायद ही कभी फायदे में रहे हों, सिवा तब जब धन उनका खुद का कमाया हुआ हो। मैं खुशी से अपना एक एक पैसा उन लोगों को देने को तैयार हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं, अगर उन्हें ऐसा करने में लाभ से ज्यादा हानि न हो। धन अच्छा तभी है जब उसका प्रयोग अच्छे के लिए हो, न सिर्फ उसके अधिपत्य में। आमतौर पर जो इंसान अपना धन खुद कमाता है, वह इसके साथ ही विवेक भी अर्जित करता है, जिससे वह उसका रचनात्मक ढंग से उपयोग कर सके। आपने मेरे और मेरे लिए काम करने वालों के बीच आर्थिक उपलब्धि के अंतर के कारणों का स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तर में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैंने इतनी संपत्ति अर्जित की है क्योंकि इसके बदले मैं बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ और अनेक प्रकृति वाले तरीकों की सेवाएं देने को तत्पर हूँ। मैं सतर्क कह सकता हूँ कि यदि मैं अपना पूरा धन दे भी दूं, तब भी उन हजारों लोगों में से जो मेरे लिए काम करते हैं, शायद ही दर्जन भर ऐसे लोग हों जो मेरी जिम्मेदारी उठा लें और उतने घंटे काम करें जितना मैं करता हूँ। मेरे काम करने वालों में से कुछ मेरी जिम्मेदारियां लेने को तैयार हैं, और यह महत्वपूर्ण भी है। उनमें से हर एक उतना ही धनी है जितना धनी वह बनना चाहता है। एक वर्ष में मैंने चार्ली शवाब जैसे लोगों को उनकी सेवाओं के लिए $1,000,000 तक दिए हैं, और उनमें से ज्यादातर उन सेवाओं के लिए हैं जो उन्होंने अपने मिलने वाले वेतन के अलावा दी हैं। उन लोगों को इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने से पूर्व ही ये लोग मेरे लिए लगभग अपरिहार्य बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से जिम्मेदारी लेकर मेरे काम के भार को हल्का किया था। इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अपने आय खुद निर्धारित कर सकते हैं, और शायद ही कोई उन्हें अपनी मुंह मांगी कीमत लेने से रोक सकता है। मैं कभी भी अपने लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की वेतन की सीमा तय नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति अपना वेतन तय करता है अपनी दी जाने वाली सेवा द्वारा, अपनी सेवा की गुणवत्ता और परिणाम से, साथ ही उस मानसिक प्रवृत्ति से जिससे वह सेवा देता है। इस सत्य को समझे और आप जान जाएंगे कि लोगों की अर्जित संपत्ति का अंतर कोई अन्याय अथवा नाइंसाफी से नहीं जुड़ा है। हिल, श्रीमान कार्नेगी, जो
आपने कहा उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग जो आपके लिए काम करते हैं उसके पास जिंदगी में कोई निश्चित मुख्य प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वे भी आपकी तरह धनी होते। क्या यह सच है? कार्नेगी, जितने लोगों से आप बात करना चाहते हैं आप खुलकर उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि अपनी नौकरी बनाए रखना ही अधिकतर लोगों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। वे वही है जहाँ वे हैं और जो वे वेतन ले रहे हैं उसका एकमात्र कारण यह है उन्होंने स्वयं के दिमाग को सीमित कर रखा है। मेरे कुछ भी करने से यह बदलेगा नहीं, केवल वह लोग ही उसे बदल सकते हैं। मेरे लोग जिंदगी के ठीक उसी पड़ाव पर हैं जहां कुछ वर्ष पूर्व मैं था। उनके पास व्यक्तिगत उन्नति के वही सब विशेषाधिकार हैं जो मेरे पास थे। हम सब दुनिया के सबसे धनी और स्वतंत्र देश में रहते हैं जहां कोई व्यक्ति सीमाबद्ध नहीं है सिवा स्वयं की मानसिक प्रवृत्ति और इच्छा से। उदाहरण के तौर पर अपने आप को ले, मैंने आपके हाथों पर सबसे बड़ा अवसर रख दिया जो किसी अमेरिकी लेखक को शायद ही मिला हो। मैं आपके लिए रास्ता खोल रहा हूं, एक जीवन काल के व्यवहारिक अनुभव का जिनके द्वारा उपयोगी सेवाओं के बदले बेशुमार दौलत अर्जित की जा सकती है। अगले कुछ वर्षों के अंदर ही मैं आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलूंगा जहां देश के सफलतम व्यक्ति के अनुभवों का बहुमूल्य भंडार जमा है। आपके पास ज्ञान का अतुल्य खजाना होगा। यदि आप अपने अवसर का उचित ढंग से उपयोग करें तो आप दुनिया के उन विशिष्ट दार्शनिकों में से कहीं आगे होंगे जिन्होंने कहीं इंसान की सीमाओं की परवाह नहीं की। हिल, श्रीमान कार्नेगी, बहुत से लोग सोचते हैं कि लोगों के पास आर्थिक आजादी के उतने अवसर नहीं है जितने तब थे जब आपने अपना कैरियर शुरू किया था। कुछ यह मानते हैं कि आप और अन्य धनी व्यक्ति का अवसरों के क्षेत्र में एकाधिकार है, आप दूसरों को अवसर नहीं देते। क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि आप इस सिद्धांत के बारे में क्या सोचते हैं? कार्नेगी, मुझे खुशी है कि आपने सिद्धांत शब्द का उपयोग किया, क्योंकि हमारे जैसे देश में अवसरों की कमी है यह कुछ और नहीं सिर्फ एक शुद्ध सिद्धांत है। सच्चाई यह है कि दुनिया के सब देशों को मिलाकर भी हमारे पास अमेरिका से ज्यादा अवसर है सेवा के बदले दौलत कमाने के। यह एक नया देश है, हम उस युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं जब हम दुनिया के महानतम औद्योगिक देश होंगे। अगले कुछ वर्षों में हम उद्योग के क्षेत्र में विलक्षण विकास करेंगे। अमेरिका में अवसरों की कमी, क्या अजीब बात है! क्या आप नहीं देख सकते कि कमी होगी तो हमारी कल्पना शक्ति में, स्वावलंबन में और पहल करने में, जिसकी इस देश के लोगों को जरूरत पड़ेगी, जो हमारे देश का भविष्य है। मेरे पास ऐसे अदूरदर्शी लोगों के लिए कोई ध्येय नहीं है जिन्हें अमेरिका में कोई भविष्य नहीं दिखता। अगर आप उन लोगों का विश्लेषण करेंगे जो चीखते हैं अवसर नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि वह जिम्मेदारी से बचने का बहाना मात्र है और अपने दिमाग का उपयोग न करने का। यही समय है जब पूरी दुनिया कौशल और कल्पना को साकार करने के लिए अमेरिका की ओर एक नए विचार, नए आविष्कार और नए अवसरों के लिए बढ़ेगी। मैं इस देश के नौजवानों के लिए कम से कम 50 वर्ष तक अवसर ही अवसर देखता हूँ। उनमें से हर एक घंटे में इतने फायदे होंगे जितना एक मुझे अभी तक नहीं मिला है। जो लोग अवसरों की कमी के बारे में शिकायत करते रहते हैं वे मुझे उस अमेरिकी कांग्रेसी सांसद की याद दिलाते हैं जो कुछ समय पूर्व अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश करना चाहते थे जिसके तहत पेटेंट कार्यालय को बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब कुछ पेटेंट करने को है ही नहीं। अब मैं सचमुच उम्मीद करता हूँ कि आप उस अदूरदर्शी सोच के शिकार नहीं बनेंगे कि इस देश में अब कोई अवसर नहीं है। हिल, श्रीमान कार्नेगी, उन अवसरों के बारे में निश्चित ही आपकी असाधारण दूरदर्शिता बहुत कुछ कह सकती है जिसे यह महान देश अपने उन पुरुषों और महिलाओं को देता है जो सफलता के नियम सीखने के इच्छुक हैं। वे उनका प्रयोग जिंदगी का खेल खेलने में करें और इनाम जीतते चलें। आपने इस देश के युवा पुरुषों और युवा महिलाओं के लिए एक सशक्त प्रेरणादायक आशा भी व्यक्त की है। यदि उनके पास सिर्फ परिकल्पना, स्वावलंबन और पहल करने की क्षमता है जिससे वे उन अवसरों को देखकर उनका फायदा उठा सके जो यह देश उन्हें दे सकता है। हिल, आपने अमेरिकी संस्था के सहायक स्तंभों का जिक्र किया है श्रीमान कार्नेगी, क्या आप इनके नाम बताकर उनका विवरण देंगे? कार्नेगी, मुझे ऐसा करने में बेहद खुशी होगी। पहला मुख्य स्तंभ जो इस देश को अन्य देश से अलग बनाता है वह है हमारी अमेरिकी सरकार का स्वरूप। संयुक्त राज्य के मूल सिद्धांतों में लिखा है पूर्णतः संभावित व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूजा आराधना की स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार। सबसे शीर्ष पर यह है व्यक्तिगत पहल करने की स्वतंत्रता जिससे हर नागरिक को अपना व्यवसाय चुनने का विशेषाधिकार मिलता है। अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव के आधार पर वह खुद का मूल्यांकन कर सकता है। हमारी सरकार के अतिरिक्त कोई भी देश अपने नागरिक को अपनी सेवा के विपणन करने के इतने सारे अवसर नहीं देता है। हिल, श्रीमान कार्नेगी, आपने हमारे महान देश के अंतर्निहित पहले स्तंभ के बारे में बताया है, क्या अब आप हमें दूसरे स्तंभ के बारे में बताएंगे? कार्नेगी, दूसरे नंबर पर औद्योगिक तंत्र है जो अपने अतुल्य नेतृत्व, प्राकृतिक संसाधन और कच्चे माल के रूप में है, अमेरिकी प्रजातंत्र के भावना के साथ संबंधित है और अमेरिकी सरकार के द्वारा समर्थित है। जब तक उद्योग जगत के अग्रणी नेतृत्व और हमारे सरकार के अधिकारियों के बीच सामंजस्य, समझ और संवेद
संवेदनशील सहयोग रहेगा प्रत्येक नागरिक को विचारशील औद्योगिक तंत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। यह निश्चित रूप से एक औद्योगिक देश है। काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन का अधिकांश भाग न केवल उद्योग से आता है बल्कि कृषि क्षेत्र के अधिकतम माल को भी अपने उपयोग में लाता है और यह पेशेवर पुरुषों और महिलाओं की जीविका का मुख्य स्रोत है। हिल, मैं सचमुच आशा करता हूँ कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब सरकार और उद्योग के अग्रणी एक ही लक्ष्य पर कार्य करते हुए उन्हें अनदेखा या उस पर सामंजस्य नहीं बैठाएंगे। यह हम लोगों में से हर एक पर आर्थिक कठिनाइयां ला देगा। श्रीमान कार्नेगी, आप अगला मुख्य स्तंभ किसे समझते हैं? कार्नेगी, तीसरे नंबर पर हमारी बैंकिंग प्रणाली है, क्योंकि बिना किसी पर बोझ डाले यह औद्योगिक तंत्र, कृषि व्यवसाय और पेशेवर प्रणाली की जान है। बैंकिंग प्रणाली की सेवा देने के तरीके को समझ ले तो आपको हमेशा के लिए उन अज्ञानी लोगों से छुटकारा मिल जाएगा जो वॉल स्ट्रीट की काल्पनिक बुराइयों का रोना रोते रहते हैं। प्रत्येक जानकार व्यक्ति को पता है कि इस देश में जुड़वा प्रणाली की सरकार है, राजनीतिक विभाग जो वॉशिंगटन में काम करता है और आर्थिक विभाग जो न्यूयॉर्क में काम करता है। जब राष्ट्रीय जीवन की यह दो शाखाएं सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करती है तब हमारे यहाँ समृद्धि का वातावरण रहता है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमारे पास राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के पर्याप्त स्रोत हैं। हमारे जीवन शैली के लिए बैंकिंग प्रणाली उतना ही आवश्यक है जितना कि क्रय विक्रय की दुकानों की व्यावसायिक धारणाएं। असल में कोई भी विक्रय या व्यवसायिक केंद्र बिना बैंक द्वारा प्रदत्त नकदी या ऋण के काम नहीं कर सकता। हिल, श्रीमान कार्नेगी, हमारे बैंकों के महत्व के बारे में आपका स्पष्टीकरण हम में से कई लोगों का दृष्टिकोण उसके बारे में बदल देगा। क्या आर्थिक प्रणाली में केवल बैंक ही वित्तीय सहायता कर सकता है? कार्नेगी, नहीं, इसके अतिरिक्त भी एक प्रमुख तंत्र है, चौथे पायदान पर हमारी बीमा प्रणाली जो लोगों की व्यक्तिगत बचत करवाने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था है और यह हमारी आर्थिक प्रणाली को ऐसे लचीलापन देती है जिसे अकेला बैंकिंग तंत्र नहीं दे सकता है। कोई भी अमेरिकी संस्था लोगों को ऐसे बचत करने का ऐसा स्रोत नहीं दे सकती जो व्यक्ति को उसके परिवार के लिए सुरक्षा और साथ ही उसे बुढ़ापा की आर्थिक अनिश्चितताओं की चिंता से मुक्ति दे। निश्चित रूप से जीवन बीमा संस्था अमेरिका के मूलभूत सिद्धांत का हिस्सा है। हिल, श्रीमान कार्नेगी, चार स्तंभों पर आपकी चर्चा जिसका उल्लेख आपने किया उसे हर अमेरिकी को गहरी सोच की सामग्री मिलेगी। क्या आपने कहा है कि हमारे देश और अन्य देशों में यह छह मुख्य अंतर है? कार्नेगी, यह सच है। इसके अलावा दो और हैं। पांचवा स्तंभ है स्वतंत्रता के लिए हमारी प्रेम से परिपूर्ण राष्ट्रीय भावना और स्वनिर्धारण के विशेषाधिकार की चाहत, जैसा कि सरकार व उद्योग जगत के मार्गदर्शकों ने बताया है, और संवाद, विचार और कर्म का राष्ट्रीय प्रेम जो अमेरिका के पूर्ण महान नेताओं की विशिष्ट पहचान थे। हिल, और छठा क्या है श्रीमान कार्नेगी? कार्नेगी, छठा न्याय की हमारी राष्ट्रीय भावना है जिससे हमें कमजोर और शक्तिशाली दोनों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती है और जिसने बिना समुचित क्षतिपूर्ति के इसे क्षेत्रीय कब्जे की जीत को बर्दाश्त नहीं किया है। इन छह शीर्षकों के अंतर्गत आप वह सब पाएंगे जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है और जो इस देश को दूसरे से भिन्न बनाता है। व्यक्तिगत उपलब्धियों के सिद्धांत को बताते समय इस तथ्य को निश्चित कर लीजिए कि जो भी अमेरिकी वादी इन छह स्तंभों को कमजोर करता है वह हमारे संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन को हल्के में ले रहा है। इस बात पर भी जोर दीजिए कि व्यक्ति को बातों या कर्मों से उन सिद्धांतों को कमजोर करने से बचाना ही काफी नहीं है बल्कि यह हर निष्ठावान अमेरिकी का दायित्व है कि इन आधारभूत मूल्यों की रक्षा उन लोगों से करे जो इनमें से किसी एक की भी क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हिल, श्रीमान कार्नेगी, हमारे राष्ट्र की विशिष्ट विशेषताओं के आपके शानदार सारांश के बाद मैं व्यक्तिगत सफलता के लिए अमूल्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अवसरों की चुनने की स्वतंत्रता की गारंटी देता हूँ। क्या आप उनसे संबंधित विशेष सावधानियां बताएंगे? कार्नेगी, इस देश में ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है जहां क्रांतिकारी सोच बनाने वाले लोग हमारी सरकार के स्वरूप, हमारी औद्योगिक प्रणाली, हमारी बैंकिंग तंत्र और हमारे महत्वपूर्ण सब कुछ जो हमारे अमेरिकी वादी को दर्शाता है उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। उन्हें दुनिया के महानतम राष्ट्र की क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए सिर्फ इसीलिए कि इस देश के हमारे पास बोलने और करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के साथ बोलने से किसी को अधिकार नहीं मिल जाता कि वह सम्माननीय व्यक्तियों पर लांछन लगाएं सिर्फ इसीलिए कि वे कामयाब हैं। मानव सभ्यता की उत्पत्ति से समृद्धि उन्हीं लोगों को मिली है जो ऐसा ही सोचते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास निश्चित प्रयोजन है, गहन कल्पना वाले लोग और जो अपने कल्पना को उपयोगी सेवा में परिवर्तित करने की पहल करते हैं, यही वो अचूक सत्य है जिसने मुझे विश्वास दिलाया है कि धन वितरण का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उपलब्धि के सिद्धांत को बांटा जाए जिसके द्वारा धन दौलत अर्जित की जाती है। हिल, श्रीमान कार्नेगी, आपने इस देश के श्रेष्ठ संसाधन का उल्लेख किया है। आप किसी राष्ट्र का सबसे
महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। कार्नेगी इस राष्ट्र के श्रेष्ठतम संसाधन की बात करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से श्रेष्ठतम बैंक में रखा धन नहीं है, न तो धरती की खनिज क्षमता, न ही जंगल के वृक्ष और न ही मिट्टी की उर्वरता, बल्कि वे लोग हैं जिनमें मानसिक प्रवृत्ति, कल्पना शक्ति और मार्ग प्रशस्त करने का फैसला है, जो अपने अनुभव और ज्ञान को उन कच्चे माल के साथ सम्मिश्रण करके उन्हें आप लोगों और देश के दूसरे लोगों के लिए उपयोगी सेवाओं में बदल देते हैं। राष्ट्र की असली धन कोई भौतिक एवं व्यक्तिगत सामग्री नहीं है। हमारा असली धन तो सोच की वो अप्रत्यक्ष शक्ति है जिसे हमारे नेता अभिव्यक्त करते हैं, उसे समझते हैं और व्यक्तिगत उपलब्धियों के सिद्धांत को जीवंत करते हैं। वह व्यापक दूरदर्शिता, विस्तृत कार्य क्षेत्र, अधिक महत्वाकांक्षा और पहल के रूप में स्वयं को दर्शाता है। जो भी इस सत्य को नहीं देख पाएगा वह नहीं समझ पाएगा कि हमारा देश दुनिया में सबसे धनी और स्वतंत्र क्यों है। हिल, श्रीमान कार्नेगी, 17 सिद्धांत में से आप निश्चित प्रयोजन को सूची की शीर्ष पर क्यों रखते हैं? कार्नेगी, स्पष्ट है कि हर कोई जो सफल होता है उसके लिए निश्चित प्रयोजन का नियम अनिवार्य है। कोई भी यह बिना जाने कि वह क्या चाहता है सफलता नहीं पा सकता। यह जानने की आपको उत्सुकता होगी कि 100 में से 98 लोगों के पास कोई मुख्य लक्ष्य नहीं होता, और यह अहम तथ्य है कि लगभग इतने ही प्रतिशत लोग असफल रहते हैं। निश्चित प्रयोजन का सिद्धांत चिरस्थायी है, इसे अपनाना चाहिए और रोजमर्रा की आदत की तरह इसे लागू करना चाहिए। इस आदत की अनुपस्थिति दूसरे आदतों की ओर ले जाती है जो सफलता के लिए घातक है, और वह है भटकने की आदत। हिल, क्या आप सफलता शब्द को परिभाषित करेंगे? कार्नेगी, सफलता की मेरी परिभाषा यह है, वह शक्ति जिसके द्वारा दूसरे लोगों के अधिकार का हनन किए बिना आप वह हासिल कर सकते हैं जो आप जीवन में चाहते हैं। हिल, श्रीमान कार्नेगी, क्या यह सत्य नहीं है कि सफलता अक्सर भाग्य का परिणाम है? कार्नेगी, यदि आप मेरी सफलता की परिभाषा का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे इसमें भाग्य का कोई अंश नहीं है। एक आदमी को संभवतः और कभी कभी अन्य लोगों को भाग्य से अवसर मिल जाता है, परंतु पहले प्रतिरोध का सामना करने पर ही विचित्र ढंग से वे इस अवसर को खो देते हैं। किसी के प्रभाव द्वारा व्यक्ति को अवसर तो मिल सकता है, परंतु वह उस अवसर के फायदे से तभी आगे बढ़ सकता है जब प्रयोजन की निश्चितता हो। हिल, श्रीमान कार्नेगी, आपने अपनी सफलता की परिभाषा में शक्ति शब्द का प्रयोग किया। आपने कहा कि सफलता उस शक्ति द्वारा मिलती है जिससे आप जो चाहें मिल सकता है। कार्नेगी, सफलता आत्मशक्ति, व्यक्तिगत गुण और आदतों के संयोजन से प्राप्त होती है। उनमें से कुछ को ज्यादा विस्तार से बताया जाएगा जब आप उपलब्धि के 16 सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सारांश में आत्मशक्ति के 10 गुण हैं, जिन्हें हम आत्मशक्ति के 10 बिंदु नियम कहते हैं। निम्न है: पहला, निश्चित प्रयोजन की आदत; दूसरा, निर्णय की तत्परता; तीसरा, सुविचारित ईमानदारी; चौथा, अपने भावों पर कठोर अनुशासन; पांचवा, उपयोगी सेवा देने की जुनूनी इच्छा; छठा, अपने व्यवसाय का संपूर्ण ज्ञान; सातवा, सभी विषयों पर सहिष्णुता; आठवा, अपने सहभागियों के प्रति निष्ठा और ईश्वर पर आस्था; नौवा, ज्ञान के लिए चिरस्थायी लालसा; दसवा, कल्पना के लिए सजगता या जागरूकता। आप देखेंगे कि यह 10 बिंदु नियम उन गुणों का समाविष्ट है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। आप यह भी गौर करेंगे कि यह सब गुण आत्मशक्ति का वह स्वरूप उत्पन्न करते हैं जिन्हें बिना दूसरों के अधिकार के हनन के उपयोग में लाया जा सकता है। आत्मशक्ति के इसे स्वरूप को हर कोई उपयोग में ला सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हाउ टू रेज योर ऑन सैलरी का पहला अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर ले एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।